साल के लिए मतलब 16 जनवरी 2019 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा और निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। और मैंने बाई लेवल एंड सेल लेवल इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी NR4 NR7 100 ईएमए स्ट्रेटेजी और कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा स्टॉक्स में फॉर्म हुआ है वो मैंने कुछ कुछ स्टॉक्स में दिखाता हूँ। मेरा बाय सेल लेवल का स्किनर फाइल्स है, एक्सेल फाइल्स है, तो वो भी आप लोग को मिल जाएगा और बहुत सारा चार्ट का सेटअप मिल जाएगा जो आप लोग को अच्छी तरह से प्रॉफिट दे सकता है। तो और बहुत सारा स्ट्रैटेजी टेक्निक्स है, ये फाइल कैसे स्क्रीनिंग करना है और भी और कैसे मोस्ट इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा ताकि आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हूँ। देखिए ये पर जो ट्रेंड था इसका अप ट्रेंड अभी भी जारी है, लेकिन ये इसका पीसीआर रेशियो मैंने कल बोला था कि पीसीआर रेशियो बहुत ही हाई हो गया, तो इसका थोड़ा सा कंसोलिडेशन होना ही चाहिए था। तो इधर आज से तो नीचे थोड़ा सा आया था कुछ 280 के आसपास आया था, उसके बाद 279 लो आया था, उसके बाद एट द लास्ट मतलब एकदम लास्ट सेशन में ये कुछ ऑफिस से ये रिकवरी हुआ है और 343 में ये क्लोजिंग दिया है, 343 या क्लोजिंग 344 में दिया है। तो इसमें देखिए एक जो चार्ट पहले तो ये जो सिंगल चार्ट पैटर्न हम लोग देखेंगे तो इसका एक हैंगिंग मैन जैसा पैटर्न बना है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये हैंगिंग मैन जैसा पैटर्न बना है। मैंने जो फाइल में मैंने बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी का अपडेट किया हूँ उधर भी आप लोग को दिखाता हूँ, उधर भी आप लोग को दिखाता हूँ, ये आप लोग को क्लियर दिख जाएगा कि इधर ये देखिए निफ्टी में इसका हैंगिंग मैन पैटर्न बना है, ये हैंगिंग मैन पैटर्न निफ्टी में बना है निफ्टी इंडेक्स में। और इधर बैंक निफ्टी में थोड़ा सा सेकआउट मतलब ये भी थोड़ा सा ये निफ्टी फ्यूचर में ये भी थोड़ा सा नीचे का सेकआउट मतलब ये थोड़ा सा दोनों का सेकआउट है वो नीचे का वाला दिखाता है। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट तो दे दिया है और देखिए ये बैंक निफ्टी में जो दिखा है वो बुलिस एबंडेंट वही मतलब गैप अप गैप डाउन ये दिखा रहा है। तो इसका आप लोग इधर से आप लोग चार्ट में भी देख सकते हैं इधर देखिए। और जो जो इम्पोर्टेंट बात है तो देखिए इधर जो एक एसेंडिंग ट्रायंगल है ये आप लोग क्लियरली इधर से देख सकते हैं। आप लोग इधर से लाइन ड्रॉ करेंगे ये लाइन ये और ये जो मैंने इधर अभी भी मेरा टाइम नहीं होगा तो आप लोग को लाइन ड्रॉ करके दिखाता था। तो इधर जो लाइन आप लोग ड्रॉ करते थे तो इधर एक ट्रायंगल पैटर्न ये बना है और ट्रायंगल पैटर्न को ये दो कैंडल ब्रेक किया है, ये जो एक नाइस ट्रायंगल बना है आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। देखिए ये ट्रायंगल पैटर्न बना है, इसका जो ट्रायंगल पैटर्न बना है ये देखिए इस कैंडल ये ब्रेकआउट हुआ है तो ये सभी इंडिकेट कर रहा है कि ये नीचे आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो मैंने निफ्टी का एनालिसिस निफ्टी बैंक का एनालिसिस करके देखता हूँ और निफ्टी बैंक को एनालिसिस करके देखता हूँ कि इसमें क्या आता है। निफ्टी बैंक में देखिए इधर पहले तो ये देखिए पुलिस अबंडेंट बेबी मैंने आप लोग को दिखाया था पहले, ये जो गैप डाउन हुआ था ये इसको बुलिस सेवन सॉरी बेरी सेवन नाइन बेबी ये फॉर्म किया है। इधर भी आप लोग इस कैंडल से देखेंगे तो इस कैंडल से देखेंगे तो थोड़ा सा फ्लैट पैटर्न ये बना है और इस कैंडल का नीचे इस कैंडल का लो भी ब्रेक किया है और इधर भी एक ट्रायंगल का पैटर्न
हम लोग देख सकते हैं, इधर भी हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे तो इधर सोच लीजिए ये जो लाइन है, जो ये जो लाइन है, ये जो ट्रायंगल आप लोग देख रहे हैं, ये जो नाइस ट्रायंगल एक बन रहा है, ये नाइसली बेक किया है इसको, तो इसको आप लोग को मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी चार्ट नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो मैंने ऑप्शन चेन एक बार एनालिसिस करके देखना चाहता हूँ। ऑप्शन चेन में निफ्टी को देख लेता हूँ पहले, निफ्टी को दिखाऊंगा तो आप लोग का निफ्टी का जो पी सी आर रेशियो है ये कल जो था 1.88 के ऊपर हो गया था, तो आज थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं ये कॉन्सुलेट हुआ है 1.7 ऐसा कुछ है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कर रहा है। और ये कल 12,500 का रजिस्टेंस था, ये 12,000 रजिस्टेंस शिफ्ट होकर 12,400 में आ गया। इधर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में 12,400 में, और पुट साइड में इसका 12,200 से 12,300 से ये 12,200 में ये शिफ्ट हो गया है। इससे पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, यदि रोड साइड में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है तो साइड में इनकम देखने का ज़्यादा प्रॉबिलिटी है, और डाउन साइड जाने का प्रॉबिलिटी है, क्योंकि ये पूरा ऑप्शन चेन में इन द मनी और आउट ऑफ द मनी पूरा ऑप्शन चेन में आप लोग देख सकते हैं। कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और इधर पुट साइड में इन द मनी जो है, सॉरी आउट ऑफ द मनी जो कॉल्स पुट साइड पुट है, तो ये सब शॉर्ट हुआ है, और जो इन द मनी है इधर लॉन्ग हुआ है। मतलब जब निफ्टी हाई आप जाने का कोशिश करेगा तो पुट में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, और तो ये रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, तो नीचे जाने का प्रॉबिलिटी मेरा ज़्यादा लग रहा है। और बैंक निफ्टी का देखता हूँ तो बैंक निफ्टी में इसका पी सी आर रेशियो ऑलमोस्ट 0.75 जैसा है, और इधर 32,000 में इसका 32,500 से इधर रजिस्टर्स 32,000 में आ गया है, और कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, और पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 21,500 में दिखाई दे रहा है, सपोर्ट सपोर्ट है। और इधर देखिए लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, पर इधर मतलब आप लोग इसको कह सकते हैं लॉन्ग अनविंडिंग हुआ है, नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट, और इधर थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग हुआ है 21,800 में इसका शॉर्ट कवरिंग हुआ है, तो इधर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो और नीचे मतलब ओपन दबाने में शरीर दबाने में पुट में ये लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो और इधर कॉल साइड में हेवी राइटिंग हुआ है, कॉल राइटिंग हुआ है, तो इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, तो अगला दिन भी कल भी लगता है कि ये नीचे जाने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा लग रहा है। और इधर जो प्रॉबिलिटी मैंने कैलकुलेट करता हूँ, इसमें बैंक निफ्टी 12,343 है, कॉल इम्प्लाइड वोलेटिलिटी या पुट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एक दिन का एक्सपायरी है 12,400 पर जाने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। मतलब ट्रेंड अप दिखा रहा है, लेकिन चार्ट और ऑप्शन चेन जो दिखा रहा है तो इधर नीचे जाने का प्रॉबिलिटी मेरा ज़्यादा लग रहा है, तो एक्चुअली ये कॉन्सेशन में रहेगा, लेकिन बैंक निफ्टी का क्लियरली दिख रहा है तो ये नीचे जाने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा है। और मैंने जो बाई सेल लेवल आप लोग को दे देता हूँ, तो उस लेवल से भी आप लोग काम कर सकते हैं। मैंने रात में पोस्ट करता हूँ सभी मतलब कमोडिटी वगैरह जो अपडेट करने के बाद मैंने पोस्ट करता हूँ, तो ये देखिए आप लोग कल का जो लेवल मैंने दिया था, कल का जो फाइल मैंने शेयर किया था, उसी सबसे मैंने कि कहाँ बाई सेल लेवल एक बार चेक कर लेते हैं कैसे हुआ था। ये 32,200 में इसका बाई लेवल था, और 32,166 में सेल लेवल था, तो इधर एक बार देखते हैं बैंक निफ्टी का बाई का लेवल कितना था, ओपन कैसे हुआ था इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 32,189 में ओपन हुआ था, 32,105 भी आता तो इसका बाई लेवल नहीं आ पाया, उसके बाद 32,166 से इसका सेल लेवल था, 32,166 का एक सेल लेवल था, तो ये नीचे ही आ गया है 32,166 के नीचे, जब से नीचे आया था 32,166 के मतलब इसका हम लोग 32,166 के नीचे तो मतलब ओपन ही हुआ था, तो इधर नेक्स्ट लेवल आप लोग देख सकते थे 32,149 सॉरी 32,149